रिटायर्ड दरोगा के हत्यारों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं। मार्टिनगंज आजमगढ़ तहसील क्षेत्र के बखरा गांव में 3 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर रिटायर्ड दरोगा रामाश्रय की हत्या करने वाले आरोपियों को अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बताते चले कि सरायमीर थाना क्षेत्र के बखरा गांव के निवासी रामाश्रय की भूमिधरी बाग को लेकर गांव के ही रहने वाले मानक चंद्र से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर गत दिवस 15 नवंबर को मानक चंद्र, गुलाब चंद्र, लक्ष्मण व संदीप द्वारा रामाश्रय पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें रामाश्रय की हालत गंभीर हो गई। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। रिटायर दरोगा की मौत हो गई, जिस पर परिवार में मातम छा गया। वहीं प्रशासन द्वारा बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, जहां डेड बॉडी बखरा गांव पहुंची, जिस पर क्षेत्र के अनेकों नेताओं का आना जाना लगा रहा। वहीं मृतक दरोगा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी मानक चंद्र पुलिस की मिली भगत से अवैध तरह से गांजा की तस्करी करता है, जिसका सरायमीर थाना प्रभारी से काफ़ी लगाव है, जिससे हम पीड़ित लोग कई बार ऐसी घटनाओं को लेकर थाने पर प्रार्थना पत्र दिए, पर थाना प्रभारी शेर सिंह तोमर ने उल्टा हम लोगों को डांटकर भगा देते हैं। अगर पुलिस हमारे शिकायत व प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई की होती तो आज हमारे पिता की हत्या नहीं हुई होती। वहीं प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचे मार्टिनगंज उप जिला अधिकारी व तहसील से मांग की कि हमारी भूमिधर जमीन हमें दी जाए और आरोपी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उसे सजा दी जाए और पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करने पर सरायमीर SO को तत्काल निलंबित किया जाए। वहीं जब क्षेत्रीय पत्रकारों ने मार्टिनगंज SDM से इस घटना पर आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई ना होने पर चर्चा की तो उप जिला अधिकारी महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM व पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद व हाय हाय के नारे लगाए। ये लोग चारों लोग इकट्ठा होकर मारे, कुल्हाड़ी मारे, जी जी जी। हम मारने के बाद जब चिल्लाने लगे हम भाग गए, हमको भी मारे, हमारे बच्चे भी गए, उनको भी मारे, भाई भी गए, उनको भी मारे। बस यह विवाद तो काफी पुराना था। जमीनी विवाद काफी पुरानी थी जो है, इसको लेकर के शिकायत आपने आगे की थी किसी अधिकारी के पास? दिया जी, कप्तान किया दिया जी, तहसील में दिया जी, थाना में दिया, सब देकर मदद। अब यहाँ पर जो लखनऊ में जो है जी, वहाँ भी कई बार फैक्स किया, कोई सुनवाई नहीं जी। घटना घटित कभी हुई थी? घटना परसों गई। इसके पहले भी आपने उनको दिया था शिकायत जो है? बहुत दिया हूँ मैं, मेरे पास पेपर सब रखा हुआ है जी जी। हाँ, पेपर सब रखा हुआ है। उस पर कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई भी है, वो लोग कुछ कहते हैं हाँ बस हो जाएगा, हम आगे जमीन नाप देंगे। एक बार जमीन नापे भी हमारा कब्जा नहीं हमको दिला पाई जी। प्रशासन के प्रति आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन हमारा सबसे गड़बड़ हो चुका है जी, थाने वाले जो, तहसील वाले जो, दोनों गड़बड़ हैं हमारे लिए, सुनते नहीं कर सुनते ही नहीं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है हमारी जमीन का मतलब कब्जा को दिला दिया जाए जी, और हमारी दीवार घिरवा दिया जाए जी, बस हमारी यही मांग है मतलब। और आपके जो इंस्पायर के, उनके लिए आपका क्या? इंस्पायर जो किए उनके लिए जो सरकार सहायता दे दे, हम वही चाहते हैं जी। आपके क्या लगते हैं जिनकी जो इंस्पायर किए? हमारे माँ बाप दरोगा जी हैं जी, दरोगा जी जी। मैं इस मामला को 300 साल से जानता हूँ, जमीन का मामला था, और इन्होंने 15-20 बार जो है तहसील, SDM, DM, SSP सबके यहाँ दिया गया है, इनके पक्ष में फेवर भी है। अगर प्रशासन चाह होता तो आज ये मर्डर नहीं हुआ होता, लेकिन शासन प्रशासन की कमी के कारण जो है ये घटना हुई है। हम चाहते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो दाह संस्कार तभी होगा जब इसका निस्तारण होगा, जब इसका मतलब दाह संस्कार होगा, नहीं तो हम ऐसे रहेंगे, थाना प्रथम करेंगे, और इसका जब तक नहीं होगा हम लाश इनको यहीं रखेंगे। अच्छा, आरोपियों के अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है? अभी आरोपी वहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं जी, पूरा थाने से वो भी लापता होंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, अगर चाहे होते छोड़ दिया गया है जी। और वो जो है भांग गांजा की करते हैं, थाने वाले पैसा लेते हैं, और इनकी जमीन घूमधरी है, चारों तरफ से घूमधरी है, और जिसका कोई पेपर नहीं है तो बिल्कुल आगे। आपके कहने का मतलब यह है कि आरोपी जो है गांजा तस्करी है? हाँ, जिसकी पुलिस जो है काफी लगाव है, और वहाँ मर्डर करने के बाद जो है थाने में गया जो है, छोड़ दिया काम है। हाँ बिल्कुल जी, मैंने मर्डर करने के बाद वह थाने में गया है, शिकायत पत्र दिया, उसके बाद पुलिस संज्ञान में रहने के बावजूद, जैसा कि ब्रजेश कुमार सिंह आए हैं आज फिर से सुप्रीम समाचार से क्राइम ब्यूरो, जैसा आप देखने के लिए लग रहे हैं
यहाँ तीन दिन पहले जो है कि मर्डर हुआ है, उसको देखने के बाद यहाँ मर्डर हुआ है और जो आरोपी था वह थाने में गया, थाना सरायमीर थाने में गया, जहाँ की प्रभारी शेर सिंह तोमर जी बैठे थे, उनको शिकायत पत्र दिया गया और मर्डर होने, जबकि इसकी घटना की संज्ञान जो है एसओ को भलीभांति थी, मगर फिर भी एसओ ने जो है इस घटना को देखते हुए उसके प्रार्थना पत्र दिया, उसको छोड़ दिया और यहाँ तक कि जो जो प्रार्थना पत्र के जो शिकायतकर्ता थे उनकी सुनवाई नहीं हुई और मर्डर ये लोग कर दिए हैं। चाचा जी, आप इस कारण क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं इनको घोर निंदा करता हूँ, ऐसी घटना जो घटी है बहुत दुखित है जी, और इन लोगों का कब्जा दिलाया जाए जी और तभी लाश दफन हो जी। चाचा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिनाथ भाई है जी। और ये जो घटना हुई बहुत दर्दनाक हुई है, आए लोग ऐसे ही एक बार पहले भी कर चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं इस परिवार का जी, और इनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है जी, और ये यही चाह रहा है कि हम लोग जब थाने में कुछ देते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो ले जाके एक दरखास्त दे देते हैं, उनकी सुनवाई होती है और क्या नाम से हम जब जाते हैं तो हमारे लिए विचाराधीन कहते हैं, वो आते हैं तो अपना मकान बनाते हैं और लाठी डंडा लेके सब कुछ मारने पीटने। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस भगत से ऐसी कार्रवाई? हाँ, राजनीति जो है राजस्व और जो है क्या नाम से आपका पुलिस विभाग जो है ये सब लोग उसके जो है संरक्षक में है। देखने की बात है कि प्राथमिक जो है थाने पर गया, अपने शिकायत पत्र लेकर के जिसको जिनको वापस कर दिया गया, दरखास्त भी दिया गया, इनको वापस कर दिया गया, हालांकि इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, इनको कहा गया कि यह मैटर जो है अधूरा है और झूठा है। वही विपक्षी जो है जिसने मर्डर किया, जो आरोपी हुआ थाने में गया, उसकी सुनवाई हो रही है और तीन दिन हो चुकी इस घटना की, पर अभी तक मुजरिम की जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना तो उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस के संरक्षण में पुलिस की नाकामी, जहां हमारी प्रदेश सरकार जो है गुंडा माफियाओं को लेकर के आए दिन नए नए कानून, आए दिन नए नए नयाजरी हाजिर करती है, पर यहां तक हमारी पुलिस प्रशासन जो उनके नीचे कार्यकारी कर्मचारी हैं, एसडीएम है, जिलाधिकारी हैं, तक कोई कार्रवाई नहीं किए गए हैं, और अगर ये कार्रवाई होती तो भविष्य में ऐसी घटनाएँ नहीं घटती। हालांकि हम इसकी जानकारी आपके जो थाना प्रभारी एसओ महोदय से।